हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन ओवर हियर सेज व्हाट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो हमें यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, जिससे कि हमारा आंसर जो है वो हमारे सामने होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो कुछ एनिमल्स होते हैं, इन सम एनिमल्स देयर इज अ डिफरेंस इन अपियरेंस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ सेम स्पीसीज। और यहां पे एक पॉइंट और आप लोग ध्यान से देखेंगे, रैदर रैदर देन, आई एम सॉरी, नॉट द रैदर, अदर देन द सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो यहां हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे कुछ एनिमल्स में आप लोगों ने देखा होगा और हम सभी देखते हैं कि मेल्स और फीमेल्स जो होते हैं उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करें तो उनको अलग करते हुए उनके अलावा जो भी डिफरेंस हमें मेल और फीमेल्स में देखने को मिलते हैं उसे हम एक कंडीशन मानते हैं, और उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। अब जो आप लोगों के माइंड में आया होगा कि आखिर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के अलावा जो भी हमारे जो डिफरेंस देखने को मिलते हैं वो कैसे हो सकते हैं, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि द डिफरेंसेस कैन बी सीन एज बॉडी साइज, शेप, कलर, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है हमारे क्या देखने को मिलते हैं, डिफरेंस अगर हम लोग देखते हैं, है ना। और साथ में हम लोग कुछ और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक इन सबको बोला जाता है। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स के हिसाब से हम लोग जानते हैं, और जो हमारे सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, शेप, कलर, एटसेट्रा, वॉइस, स्टैच्योर, सॉरी स्टैटर, ये सारे हमारे डिफरेंस होते हैं। फिर अगर बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, मैं बात करूं तो जो आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जैसे कि मेल एस्केरिस में जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, इज स्मॉलर देन फीमेल, देन फीमेल, फीमेल से साइज इनका स्मॉल होता है। साथ ही जो मेल एस्केरिस होंगे, मेल एस्केरिस हैव कर्व टेल व्हाइल फीमेल हैव स्ट्रेट वन। तो यहाँ पे स्कैरिस में ही हमें दो डिफरेंस जो है कह सकते हैं कि ये हमारे साइज से, फिर साथ साथ हमारे जो फीचर हैं इनके बॉडी के, जो टेल की बात करें उसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। और एक पॉइंट और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा जो कि हमारे नोट पॉइंट में है, कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद करेंगे, अच्छे से ध्यान में भी रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं हम लोग ह्यूमंस की, ह्यूमन हैव अ वेरी लो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो ये जो है हमारे ह्यूमन, उनमें बहुत ही कम मात्रा में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है ना। जो कि सिर्फ और सिर्फ उसमें हमें ह्यूमन में
बहुत अगर बात करते हैं तो हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्सुअल ऑर्गन्स के ही थ्रू हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं, वरना इनमें ह्यूमन में जो है हमें बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिलता है मेल और फीमेल के बीच। तो हम लोगों ने की कंसेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वेल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।